Good evening, everyone. After a long gap, I am going to upload this video now. Its title is Ramsey Pricing Model. And there are two reasons why I could not upload the video earlier, because of my pre-commitments with the university administration work. And secondly, my father was also not well and who expired on 24th of this month. So it's a this video is a humble tribute to him, who is really a very knowledgeable person. आज एक लंबे अरसे के बाद हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रैमसे प्राइजिंग मॉडल। और रैमसे प्राइजिंग मॉडल का डिस्कशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने नेसेसरी गुड्स पर टैक्स लगाया, जीएसटी लगाया, पैकेज फ्लोर है, पैकेज वीट है, राइस है, उन सब पे गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्पोज किया। तो नेसेसरी गुड्स पर टैक्सेशन रूल क्या होना चाहिए, उस सिलसिले में रैमसे ने 1927 में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल यहाँ दिया है, ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। और ये आर्टिकल इकोनॉमिक जर्नल में पब्लिश हुआ था, इसी को हमने यहाँ पहले पैराग्राफ में लिखा है। इसका ऑब्जेक्टिव और बैकग्राउंड भी थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी जिस तरह से नेसेसरी गुड्स पे इम्पोज हुआ और जो नेसेसरी आइटम्स पे टैक्सेशन रूल रैमसे सजेस्ट करते हैं, तो उसमें फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि रैमसे प्राइसिंग मॉडल रूल को हम तब लगा सकते हैं जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे उसी चीज़ को हमने सेकंड पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव और बैकग्राउंड में लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रैमसे मॉडल इज टू डिटर्मिन सेकेंड बेस्ट सेट ऑफ प्राइजेज अंडर कंडीशंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग ए सी विच कॉजेज एम सी टू रिमेन बिलो ए सी। ये जो रैमसे मॉडल का ऑब्जेक्टिव है वो है कि सेकेंड बेस्ट सेट ऑफ प्राइजेस को डिटर्मिन करना। इसका एप्लीकेशन बेसिकली है कि सेकेंड बेस्ट सेट ऑफ प्राइजेस को डिटर्मिन करना, लेकिन उस अवस्था में, उन कंडीशंस में जब फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहा है, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। और जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करेगी तो हम बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी से ये जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एसी के नीचे रही। और ऐसी स्थिति में अगर हम मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करें, यानी एमसी जो है इक्वल टू एमआर और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, तो क्योंकि एमसी नीचे है एम आर के ए सी के, इसलिए अगर एम सी के माध्यम से हम प्राइजेस को डिटर्मिन करेंगे तो फर्म को लॉस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उसको एवरेज कॉस्ट नहीं मिलेगी। उसको केवल अगर हम देखें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही कवर होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं कवर होगी, और फर्म को नुकसान होगा अगर एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा और एम एम सी रूल के आधार पर हम प्राइजेस को डिटर्मिन करते हैं। और ऐसे में पेरिटो ऑप्टिबिलिटी भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिलेगी और ना एलोकेटिव एफिशिएंसी मिलेगी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है, उसको यहाँ हमने डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब एग्जिस्ट करती है जब फर्म एवरेज कॉस्ट के लोवेस्ट पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट करती है, और एलोकेटिव एफिशिएंसी तब एग्जिस्ट करती है जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। परफेक्ट कंपटीशन में ये कंडीशंस होल्ड करती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वाई एक्सिस और डिमांड कर्व के बीच से जा रहा है, एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है, और मार्जिनल कॉस्ट इसलिए एवरेज कॉस्ट के नीचे है, और यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि मार्जिनल कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ही फर्म का सप्लाई कर्व होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में चूंकि प्राइस सप्लाई और डिमांड के आधार पर निकलता है, तो जहां मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्योंकि वो सप्लाई कर्व है, वो डिमांड कर्व को एंड पॉइंट पे यहां काट रहा है,
तो फर्म परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ओपीसी होगा और आउटपुट ओक्यूसी होगा। और यहाँ पे फर्म को एलोकेटिव एफिशिएंसी मिल रही है क्योंकि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, लेकिन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पूरी तरह से अचीव नहीं हो रही क्योंकि एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट वहाँ पे नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ केस ऑफ नियर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट से दूर नहीं है प्राइस डिटर्मिनेशन, तो वी कैन कॉल इट एज अ नियर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विच इज अचीव्ड। लेकिन यहाँ पे फर्म को लॉस फेस करना पड़ रहा है क्योंकि एवरेज कॉस्ट हायर है मार्जिनल कॉस्ट से। और इसके अपोजिट एक्सट्रीम पे अगर हम मोनोपोली मार्केट सिचुएशन लें, तो मोनोपोली मार्केट सिचुएशन में जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिटरमिन होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई स्टार पर है और जहां एम आर एम सी के बराबर और एम सी एम आर को नीचे से काट रहा है, तो प्राइस ओ पी एम है मोनोपोली मार्केट सिचुएशन में, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, और या आप एल क्यू एम कह सकते हैं, और आउटपुट ओ क्यू एम है। यहाँ पे ना तो फर्म को प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिल रही है क्योंकि प्राइस एम आर रूल एम सी रूल से डिटरमिंड नहीं है और एम सी से बहुत ऊपर है, और ना ही फर्म को प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिल रही है क्योंकि एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट जो है वहाँ से काफ़ी दूर है। तो फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट तो मिल रहा है मगर कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, बल्कि देयर इज अ सब्सटेंशियल लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, और वो लॉस इस एरिया के बराबर है, एल ई स्टार एन के एरिया के बराबर है, जिसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने कि एज अ रिजल्ट देयर इज सब्सटेंशियल वेलफेयर लॉस टू द सोसाइटी विच इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एन ई स्टार। इसको हम डेड वेट लॉस भी कहते हैं और ये लॉस रिकवर नहीं हो सकता। टू अवॉइड दिस डेड वेट लॉस, इस डेड वेट लॉस को अगर हमें अवॉइड करना है, तो प्राइस कैन बी सेट एट ओपीसी। प्राइस हम ओपीसी पर सेट कर सकते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट कर सकते हैं, बट सेटिंग द प्राइस बिलो एसी वुड कॉज सब्सटेंशियल लॉस टू द फर्म, मगर फर्म को सब्सटेंशियल लॉस होगा। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी के माध्यम से इस लॉस को कंपेंसेट नहीं कर पाती, तो ऑप्शन फर्म के पास एक है कि वो सेकेंड बेस्ट सेट ऑफ प्राइजेस को डिटरमिन करे, यानी प्राइस एसी के बराबर फिक्स करे, जहां एसी कर्व डिमांड कर्व को काट रहा है वहां पे जो प्राइस है वो ओपीई है या ईक्यूई है। ओपीई इसलिए रखा कि ये एफिशिएंट प्राइस हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे फर्म को ये फर्म का एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि एवरेज कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है। फर्म इज नीदर गेटिंग प्रॉफिट नॉर गेटिंग लॉसेस। और ये रैमसे प्राइसिंग रूल का एक इम्प्लाइड पार्ट है कि प्राइस हैज टू बी सेट इन सच अ वे दैट देयर इज अ ब्रेक इवन सिचुएशन फॉर द फर्म, यानी फर्म को ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो एक इम्प्लाइड पार्ट है रैमसे प्राइसिंग रूल का। और इसके साथ ही प्राइस इस तरह से सेट हो कि फर्म को कंज्यूमर्स को या सोसाइटी को मैक्सिमम पॉसिबल सरप्लस सोसाइटी इंजॉय करे। उसी चीज़ को हमने यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो एफिशिएंट प्राइस है ओपीई, जो डायग्राम में पीछे हमने दिखाया, दिस प्राइस अलाउज फर्म टू ब्रेक इवन, यानी वहाँ पे फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, विच इज़ एन इम्प्लाइड पार्ट ऑफ रैमसे प्राइसिंग रूल, अलॉन्ग विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल सरप्लस फ्रॉम द सोसाइटीज वेलफेयर परस्पेक्टिव। इस सोसाइटी के वेलफेयर पर्सपेक्टिव से वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल सरप्लस है जो अचीव कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग लॉसेस और विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल प्रॉफिट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस सिंपल प्राइसिंग रूल दैट एंश्योर नो ओवरऑल प्रॉफिट एंड मैक्सिमम पॉसिबल सरप्लस फ्रॉम सोसाइटीज वेलफेयर पर्सपेक्टिव कुड बी एक्सटेंडेड लिटिल डिफरेंटली फॉर मोर देन वन क्रोर।
लेकिन अगर मान लीजिए एक से अधिक वस्तु है तो वहाँ पे ये जो सिंपल प्राइसिंग रूल है दैट इंश्योर्स नो ओवरऑल प्रॉफिट, यानी जो जहाँ पे फर्म को ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है और मैक्सिमम पॉसिबल सरप्लस सोसाइटी वेलफेयर से होता है, उसको हम थोड़ा डिफरेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एक से अधिक वस्तु है। मान लीजिए कि सपोज देयर इज अ नेचुरल मोनोपोलिस्ट विच इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 3 प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ड्रिंकिंग वाटर। कि मान लीजिए एक नेचुरल मोनोपोलिस्ट है जो 3 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ड्रिंकिंग वाटर। अब रैमसे प्राइसिंग रूल सजेस्ट दैट दीज 3 प्रोडक्ट्स कुड बी प्राइज्ड इन डिफरेंट वेज। ये जो रैमसे का जो प्राइसिंग रूल अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम कमोडिटीज को डिफरेंट तरीके से प्राइस कर सकते हैं। इन 3 कमोडिटीज को डिफरेंट तरीके से प्राइस कर सकते हैं, इस सेंस में कि फर्म को देयर शुड बी नो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस एंड मैक्सिमम पॉसिबल सरप्लस दैट सोसाइटी कुड एंजॉय एट दैट प्राइस। तो ये 2 कंडीशन हमें एक साथ लेके चलनी है कि ना तो जो नेचुरल मोनोपोलिस्ट है उसको कोई एक्सेस प्रॉफिट या लॉस हो, और साथ ही वो प्राइस ऐसा हो जिससे सोसाइटी को मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस सोसाइटी एंजॉय कर सके। अब यहाँ पे हमने ये 3 प्रोडक्ट लिए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। जो नेचुरल मोनोपोलिस्ट है इट हैज डिफरेंट ऑप्शंस टू चार्ज डिफरेंट सेट ऑफ प्राइजेस फॉर दीज कमोडिटीज दैट इंश्योर्स नो ओवरऑल प्रॉफिट एंड नीदर लॉस एंड साइमल्टेनियसली दैट जनरेट्स मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर ये 3 प्रोडक्ट हैं, एक नेचुरल मोनोपोलिस जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो एक काम ये कर सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस वो हाई रख सकता है और गैस का और ड्रिंकिंग वाटर का मार्जिनल कॉस्ट पर प्राइस को रख सकता है। लेकिन ये प्राइस एडजस्टमेंट इस तरह से हो कि ना उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो या और ना ही उसको नुकसान हो, लेकिन साथ साथ सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर हो इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस। ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर का प्राइस मार्जिनल कॉस्ट पे रखे, गैस का प्राइस हाई रखे, और या 2 का प्राइस थोड़ा हाई रखे और 1 का लो रखे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन संभव हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन इस तरह से हो कि ये ट्विन कंडीशंस मीट हों। पहली ये कि देयर शुड नॉट बी एक्सेस प्रॉफिट और लॉस फॉर द फर्म, और दूसरी कंडीशन ये है कि दैट प्राइस इंश्योर्स मैक्सिमम पॉसिबल वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। ये 2 कंडीशन मगर एक साथ हों तो इस तरह से उन्हें कमोडिटीज की प्राइसिंग हमें करनी होगी। 10 ऑफ द, यहाँ लिखा हुआ 3rd पैराग्राफ में, 10 ऑफ द वेरियस प्राइस कॉम्बिनेशन। तो बहुत से प्राइस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो इस चीज को अचीव कर सकते हैं, नीदर एक्सेस प्रॉफिट और लॉस एंड साइमल्टेनियसली देयर शुड बी मैक्सिमम वेलफेयर टू द सोसाइटी। तो वेरियस पॉसिबल या वेरियस प्राइस कॉम्बिनेशन हो सकते हुए यहाँ 3rd पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 10 ऑफ द वेरियस प्राइस कॉम्बिनेशन दैट इंश्योर 0 प्रॉफिट, वट इज द बेस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल वेलफेयर। ये जो डिफरेंट प्राइस कॉम्बिनेशन हैं इसमें से बेस्ट सोशल वेलफेयर की दृष्टि से क्या होगा। तो यहाँ नीचे लिखा है लास्ट पैराग्राफ में कि सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय रैमसे इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन। कि रैमसे ने ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये मॉडल प्रपाउंड किया था, लेकिन बाद में इकोनॉमिस्ट ने इसे सेकेंड बेस्ट सेट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया। ये जो प्रिंसिपल है ऑप्टिमल टैक्सेशन का जो रैमसे ने प्रपाउंड किया, वो इस बात को हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट शुड इम्पोज, यानी ऑप्टिमल टैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट शुड इम्पोज हायर टैक्सेस ऑन रिलेटिवली इन इलास्टिक प्रोडक्ट। कि जो कमोडिटी जितनी ही इन इलास्टिक हो गई उस पर गवर्नमेंट हायर टैक्स रखे एज कम्पेयर टू द रिलेटिवली इलास्टिक प्रोडक्ट। इससे एक तो
क्योंकि इन इलास्टिक है, कंजम्पशन कम नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट को सफिशिएंट रेवेन्यू मिलेगा। वही चीज यहाँ सेकंड पैरा में लिखी है, दिस प्रोवाइड सफिशिएंट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तीसरी चीज यहाँ लिखी है, क्योंकि नेसेसरी प्रोडक्ट है इसलिए कंजम्पशन ज्यादा कम नहीं होगा और ना ही कंज्यूमर सरप्लस का अधिक लॉस होगा। साइमल्टेनियसली जब आप टैक्स इम्पोज करेंगे, कंजम्पशन एंड कंज्यूमर सरप्लस इज रिड्यूस एज लिटिल एज पॉसिबल, कि उसका रिडक्शन बहुत कम होगा, सिंस गुड्स आर बीइंग आर इन इलास्टिक, तक क्योंकि वस्तुएं इन इलास्टिक हैं, तो इसलिए कंज्यूमर सरप्लस का लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा और साथ में गवर्नमेंट को सफिशियंट रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन दस एंश्योर्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल सोशल वेलफेयर अलॉन्ग विद सफिशियंट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो ये जब रैमसे ने ऑप्टिमल टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये जो प्रिंसिपल प्रपाउंड किया था कि इन इलास्टिक कमोडिटीज शुड बी टैक्स मोर एज कम्पेयर टू द इलास्टिक कमोडिटीज, ताकि सोसाइटी का के वेलफेयर व्यू पॉइंट से इट कुड एंश्योर मैक्सिमम वेलफेयर टू द सोसाइटी एंड साइमल्टेनियसली इट कुड जनरेट सफिशियंट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो उस दृष्टि से रैमसे का यह कहना था कि जो इन इलास्टिक प्रोडक्ट है दैट शुड बी टैक्स मोर एज कम्पेयर टू द रिलेटिवली इलास्टिक प्रोडक्ट। सब्सिक्वेंटली 1970 बाद में 1970 में बाउमल और ब्रेडफोर्ड ने ये जो प्रिंसिपल प्रपाउंड किया था फ्रैंक रैमसे ने 1927 में ऑप्टिमल टैक्सेशन के लिए, उन्होंने समझाया कि इसको इस नियम को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं टू डिटरमिन सेकंड बेस्ट सेट ऑफ प्राइजेस इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट नेचुरल मोनोपोलीज, कि मल्टी प्रोडक्ट नेचुरल मोनोपोलीज के केस में हम इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन सेकंड बेस्ट सेट ऑफ प्राइजेस, क्योंकि नेचुरल मोनोपोली के केस में जो ये तीन कमोडिटीज बना रहा है, क्योंकि उसकी मोनोपोली है, इट द मोनोपोलीज कैन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइन एंड व्हेन एसी इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स बिलो एसी, तो एमसी हमेशा एसी के नीचे रहेगा। ऐसे में हम प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर सेट नहीं कर सकते, नहीं तो फर्म को सब्सटेंशियल लॉस फेस करना पड़ेगा, जिस बात को हम पहले बता चुके हैं, और वो लॉस टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। और दूसरी तरफ पेरिटो ऑप्टिमेलिटी भी हम पूरी तरह से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। दिस प्रिंसिपल दैट वॉज डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन बाय रैमसे वॉज सिंस 1970 बिकेम अ प्राइजिंग रूल। 1970 से इसे हम प्राइजिंग रूल के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, और प्राइजिंग रूल का मतलब है कि टू डिटरमिन सेकेंड बेस्ट सेट ऑफ प्राइस कॉम्बिनेशंस। और सेकेंड बेस्ट प्राइस कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ वो दो कंडीशन हमेशा जहन में रखनी पड़ेंगी कि फर्म को ना तो एक्सेस प्रॉफिट हो ना लॉस हो, और दूसरी तरफ सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट हो, ताकि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके या ग्रेटेस्ट पॉसिबल सोशल वेलफेयर कुड बी अकम्प्लिश्ड और कुड बी अचीव्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हमने रैमसे प्राइजिंग प्रिंसिपल को दो अलग तरीके से एक्सप्रेस किया। रैमसे प्राइजिंग प्रिंसिपल को बहुत से तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूसेज है उसमें ये दो यूसेज बहुत कॉमन है। पहला है कि जो द फर्स्ट वे इन विच रैमसे प्राइजिंग रूल कुड बी एक्सप्रेस, कि ऑप्टिमल डेविएशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, ऑप्टिमल डेविएशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज प्रपोर्शनल टू द डेविएशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी, कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच उतना ही डेविएशन होगा, उसी प्रपोर्शन में डेविएशन होगा जितना कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बीच होगा। यहाँ पे लिखा हुआ P1 माइनस MC1, यानी ऑप्टिमल डेविएशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट।
of the first commodity divided by price and marginal cost of the second commodity is equal to MR1 minus MC1, any deviation between marginal revenue and marginal cost of first commodity divided by marginal revenue and marginal cost of second commodity. So optimal deviation between price and marginal cost of a product is proportional to the deviation between marginal revenue and marginal cost of that commodity. उसी को हमने यहाँ मैथमेटिकली लिखा हुआ है, जहाँ पे P1, P2 आर पेरिटो ऑप्टिमल प्राइजेस हुज आउटपुट्स आर सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, यानी जिसका आउटपुट जो है वो बजट कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है, यानी जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट. दूसरा जो तरीका है और जो ज़्यादा पॉपुलर है, विच इज़ मोर पॉपुलर, कि ऑप्टिमल परसेंटेज डेविएशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ऑप्टिमल डेविएशन नहीं, ऑप्टिमल परसेंटेज डेविएशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एनी गुड विल वेरी इन्वर्सली विद द इलास्टिसिटी ऑफ दैट गुड. कि जो ऑप्टिमल परसेंटेज डेविएशन है बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एनी गुड will vary inversely to the elasticity of that good. Mathematically यहाँ लिखा हुआ optimal percentage deviation है P1 minus MC1 upon P1 of first commodity divided by P2 minus MC2 upon P2. ये percentage deviation है price का marginal cost से second commodity का, is equal to E2 upon E1. क्योंकि inversely vary कर रहा है इसलिए E1 नीचे है डिनोमिनेटर में और E2 ऊपर है. E1 और E2 इलास्टिसिटीज हैं ऑफ गुड वन एंड गुड टू. और यहाँ पे भी वो बजट कंस्ट्रेंट की कंडीशन होल्ड करेगी जो पिछली डेफिनेशन में बताई थी. अब इसके बाद प्रूफ है, ये जो दो तरीके से रैमसे प्राइसिंग थ्योरी को हमने डिफाइन किया है इसका प्रूफ यहाँ पे दिया है, प्रूफ ऑफ 3A. यानी जो पहला तरीका है जिसमें हमने डिफाइन किया है कि प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस ऑफ सेकेंड कमोडिटी माइनस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड. उसका यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि बोथ दीज प्रीमाइसेस बोथ दीज प्रीमाइसेस यानी बोथ दिस प्रीमाइसिस का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है रैमसे ऑप्टिमल टैक्सेशन रूल की या रैमसे प्राइसिंग रूल की, जो ऑप्टिमल जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हैं, पहली ये कि देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेस प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा ये है कि देयर शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल नेट सरप्लस दैट एग्जिस्ट टू द सोसाइटी. तो बोथ दिस प्रीमाइसेस या बोथ ये जो दोनों स्टैंडर्ड्स हैं, बोथ दिस स्टैंडर्ड्स कुड वेल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. इन दोनों स्टैंडर्ड्स को अगर हमें होल्ड करना है तो हमें एक कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम यहाँ पे डिफाइंड है कि मैक्सिमाइज सोसाइटीज नेट सरप्लस, और वो नेट सरप्लस क्या है, डिफरेंस है, यानी नेट सरप्लस मींस नेट कंज्यूमर सरप्लस, और नेट कंज्यूमर सरप्लस है डिफरेंस बिटवीन टोटल मनी यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी को मनी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, टोटल मनी यूटिलिटी ऑफ आउटपुट एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट. तो जो सोसाइटी का जो कंज्यूमर सरप्लस होता है, हम जानते हैं कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व कुछ और नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है. तो इसीलिए हमने लिखा टोटल मनी यूटिलिटी ऑफ इट्स आउटपुट, और कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट, और साथ में बजट कंस्ट्रेंट है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट. तो यहाँ पे
इन केस ऑफ टू गुड्स, हम दो गुड्स ले रहे हैं Q1 Q2 जिनकी क्वांटिटीज हैं, और कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैक्सिमाइज यू Q1 Q2 माइनस सी Q1 Q2। तो ये नेट कंज्यूमर सरप्लस की सिंपल इक्वेशन है जो हमने यहाँ लिखी है, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, और बजट कंस्ट्रेंट ये है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट P1 Q1 प्लस P2 Q2 दैट मस्ट बी इक्वल टू सी Q1 Q2 टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट। ये इक्वेशन 1 और 2 है। अब कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को जो भी सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, वो जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि फॉर्मिंग अ कंपोजिट फंक्शन जेड, कि एक हम कंपोजिट फंक्शन जेड बना रहे हैं यूजिंग द लैग्रांजिस फंक्शन लैम्डा, लैम्डा लैग्रांजिस फंक्शन है, जेड इक्वल टू जो हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है यू Q1 Q2 माइनस सी Q1 Q2 प्लस लैम्डा टाइम्स जो बजट कंस्टेंट है P1 Q1 प्लस P2 Q2 माइनस सी Q1 Q2। ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्वेशन 4 उसी को हमने रिफॉर्मुलेट कर दिया है। बाकी सारे फैक्टर्स वही हैं, P1 Q1 की जगह R1 लिख दिया, P2 Q2 की जगह R2 लिख दिया है, सिर्फ इतना ही चेंज किया है क्योंकि R1 P1 Q1 के बराबर है और R2 P2 Q2 के बराबर है। तो वो इक्वेशन 4 है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे Q1 Q2 के रिस्पेक्ट में। तो एक बार पहले Q1 के रिस्पेक्ट में कर ले पार्शियली डिफ्रेंशिएट, फिर Q2 के रिस्पेक्ट में। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा MU1 माइनस MC1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स MR1 माइनस MC1। उसके बाद जब हम Q2 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो MU2 माइनस MC2 इक्वल लैम्डा टाइम्स MR2 माइनस MC2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें 5 और 6 को, तो हमें मिल जाएगा MU1 की जगह हमने यहाँ पे P1 लिखा है, क्योंकि अगर आपको याद है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ये कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि MUX इक्वल टू लैम्डा टाइम्स PX। लैम्डा यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर है जो प्राइस को यूटिलिटी में तब्दील कर दे या यूटिलिटी को प्राइस में, क्योंकि यूटिलिटी ऑलरेडी मनी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, जिसको हम पहले बता चुके हैं कि U का मतलब है टोटल मनी यूटिलिटी। तो इसलिए लैम्डा की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूटिलिटी इज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स और प्राइस मनी टर्म्स में है ही। तो लैम्डा जो कन्वर्जन फैक्टर है उसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, जब हम मनी टर्म्स में यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर चुके हैं, यानी लैम्डा से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं यूटिलिटी को, तो यूटिलिटी मनी टर्म्स में कन्वर्टेड है। तो इसलिए लैम्डा की ज़रूरत नहीं है, MUX PX के बराबर है, और इसीलिए हमने MU1 की जगह पे P1 लिख दिया। ये कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एम्प्लॉय की है, जिसकी वजह से हमने मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से रिप्लेस किया। P1 माइनस MC1 और इसी तरह से MU2 की जगह जो है वो P2 माइनस MC2 हो जाएगा। तो दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा P1 माइनस MC1 अपॉन P2 माइनस MC2। लैम्डा लैम्डा कट जाएगा इक्वल टू MR1 माइनस MC1 अपॉन MR2 माइनस MC2। तो यही रैमसे प्राइसिंग रूल है जो आपको हमने पहले डिफाइन किया था कि ऑप्टिमल डेविएशन ऑफ प्राइस फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये पहला पार्ट है रैमसे प्राइसिंग रूल का, जिसको ज़्यादातर इकोनॉमिक पार्लेंस में हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रैमसे प्राइसिंग रूल। फर्स्ट पार्ट का मतलब है फर्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रैमसे प्राइसिंग रूल। जो सेकेंड वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग द रैमसे प्राइसिंग रूल इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर किताबें में, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में भी और कई किताबों में उसी को कवर किया है। लेकिन चूंकि ये वीडियो लेक्चर है, इसमें हमें सारा पार्ट कवर करना है। यहाँ पे अब बी पार्ट का हम प्रूफ दे रहे हैं, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ रैमसे प्राइसिंग रूल इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटीज। ये जो
ज़्यादातर एम से प्राइजिंग रूल है उसे हम इलास्टिसिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और वहाँ पे आपको हमने बताया था कि ऑप्टिमल परसेंटेज डेविएशन ऑफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी फ्रॉम इट्स मार्जिनल कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी ऑफ दैट आइटम ऑफ दैट कमोडिटी। तो उस चीज़ का प्रूफ अब हम यहाँ पे देने जा रहे हैं विच इज़ यूजुअली रेफर्ड एंड ऑफन यूज इन इकोनॉमिक थ्योरी एज द रैम्से प्राइजिंग रूल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंटिल इक्वेशन 3 ऑल स्टेप्स आर सेम एज इन द प्रीसीडिंग प्रूफ। ये जो पिछला प्रूफ हमने पढ़ा था जिसमें हमने कंपोजिट फंक्शन बनाया था और कंपोजिट फंक्शन बनाने के बाद हमने वहाँ पे R1 R2 रखा था, लेकिन यहाँ R1 R2 नहीं रख रहे हैं, हम इक्वेशन 3 के आगे बढ़ रहे हैं, यानी वहाँ पे P1 Q1 P2 Q2 हमने रहन दिया है और अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं Q1 के रिस्पेक्ट में पहले और फिर Q2 के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम Q1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे MU1 माइनस MC1 आएगा जो पहले था, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स P1, Q1 है तो P1 आ जाएगा, Q1 का 1 हो जाएगा, प्लस Q1 DP1 अपॉन DQ1 माइनस MC1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों हमने अलग ब्रैकेट कर लिए हैं, माइनस लैम्डा MC1 हमने सेपरेट कर लिया है, और ये जो पहला पार्ट है इसमें P1 कॉमन ले लिया है, तो लैम्डा P1 हो गया 1 प्लस Q1 अपॉन P1 DP1 बाई DQ1। इसलिए किया है क्योंकि Q1 अपॉन P1 DP1 अपॉन DQ1 ये -1 अपॉन E1 के बराबर है, इसलिए हमने P1 कॉमन लिया। या नेक्स्ट स्टेप पे हमने लिखा भी है MU1 माइनस MC1 इक्वल टू लैम्डा P1 1 माइनस 1 अपॉन E1 लिखा है माइनस लैम्डा MC1। अब लैम्डा MC1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए हैं और साथ ही लैम्डा P1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए हैं, और राइट साइड पे हमने माइनस लैम्डा P1 अपॉन E1 रख दिया ऐसे। अब P1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा बचेगा, माइनस MC1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा बचेगा, 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लें तो लेफ्ट साइड पे P1 माइनस MC1 आ जाएगा, और राइट साइड से P1 नीचे ले आए तो P1 माइनस MC1 अपॉन P1 हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा जो कॉमन लिया उसे राइट साइड पे ले जाएं तो हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा E1। ये इक्वेशन 9 है, दिस इज इक्वेशन 9। इसी तरह से सेकेंड गुड के लिए P2 माइनस MC2 अपॉन P2 इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन E2, ये इक्वेशन 10 है। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाई इक्वेशन 10, तो P1 माइनस MC1 अपॉन P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस MC2 अपॉन P2 आ जाएगा इक्वल टू E2 अपॉन E1। तो ये जो है हमने आप यहां लिखा भी इक्वेशन 11 इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रैम्से प्राइजिंग रूल। ये स्टैंडर्ड वे है रैम्से प्राइजिंग रूल को एक्सप्रेस करने के लिए। तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रैम्से प्राइजिंग रूल, और यहाँ लिखा भी हुआ इन दिस फॉर्म रैम्से प्राइजिंग रूल सजेस्ट दैट ऑप्टिमल परसेंटेज डेविएशन ऑफ प्राइस ऑफ एन आइटम फ्रॉम इट्स मार्जिनल कॉस्ट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, यानी इन्वर्सली रिलेटेड है, जितनी इलास्टिसिटी कम होगी उतना ही परसेंटेज डेविएशन प्राइस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के बीच अधिक होगा, यानी आप उतना ही अधिक टैक्स इम्पोज कर सकते हैं कमोडिटी पे जितनी कमोडिटी रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी। तो दिस एक्सप्लेन्स द रैम्से प्राइजिंग रूल, एंड सिंस 1970 दिस रैम्से प्राइजिंग रूल विच वॉज ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड इन द केस ऑफ एज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन, सिंस 1970 इट इज यूज एज अ प्राइजिंग प्रिंसिपल especially when there is a case of natural monopoly and the natural monopolist is producing different product, then in that case
we can use the Ramsey pricing rule to set the prices of these commodities in such a way that there should be no overall profit or loss to the firm, and simultaneously price should be set in such a way that ensures maximum surplus to the society. तो ये रैमसे प्राइजिंग रूल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने दोनों फॉर्म इसके एक्सप्लेन कर दिए हैं और उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं. थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू एंड गुड बाय.